क्या जरूरत है आपको अब्बू जी के सामने शारिक की बात करने की? क्या जरूरत है पुरानी बातें छेड़ने की? कभी कभी हाल की बात समझाने के लिए माजी का सहारा लेना पड़ता है। और ये बताएं कि मारिया ने कब आपसे बदतमीजी की थी? ये सब बातें छेड़ने का क्या मकसद था अम्मी जी? आपको पता है अब्बू जी अगर ये बातें सोच ले समझ ले तो मेरी शादी कभी नहीं करेंगे शारिक के साथ। तो कैसी बेहया हो गई है तू? हैं? ऐसे मुंह खोल के अपनी शादी की बात करी है? हमारी तो आज तक हिम्मत ना हुई अपनी माँ से ऐसे मुंह भर भर के बातें करने की। अगर कभी कोई ऐसी बात हमारे सामने भी होती थी तो उठ के उस जगह से चले जाते थे। आपको किस बात की फिक्र हो रही है? अरे अब्बू जी जैसे शोहर तो किस्मत वाली औरतों को मिलते हैं। कैंची की तरह जबान चलने लगी है तेरी। ये सब उस अब्दुल्ला की बेटी के साथ रहने का नतीजा है। चली गई है वो यहाँ से, समझी? अब तू भी अपनी औकात में आ जा। आपको तो मेरी हर बात ही गलत लगती है। दिन और रुक जाती, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल चली जाती। दादी मेरा जाना बहुत जरूरी है, बड़े पापा वापस आ गए हैं, मुझे वहां ना पाकर वो बहुत परेशान होंगे। आप ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूं कि तुम्हें दूसरों का कितना ख्याल है। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई उनका भी तुम कितना ख्याल करती हो। मुझे बड़े पापा से कोई शिकायत नहीं है, अगर वो होते तो शायद मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। ये आदत तुम्हारी बहुत अच्छी है कि तुम दूसरों के लिए बहुत अच्छा गुमान रखती हो। ये तो मैंने आप ही से सीखा है। अगर मैं पहले वाली मारिया होती तो शायद बहुत चिल्लाती, खुदा से बहुत शिकायतें करती, खुद को बुरा भला कहती, शायद बड़ी मामा से भी बहुत लड़ती। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सब्र कैसे किया जाता है। मुझे सब्र आ गया है दादी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बेचैन नहीं हूं, सुकून में हूं। ये सब इस्लाम की बरकतें हैं बेटा, जो तुम खुद महसूस करोगे। जो बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है वो उसके हक में बहुत अच्छा होता है। उस पर भरोसा करके सारी मुसीबतों से सारी परेशानियों से बेफिक्र हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा, ऐसे हालात में आप मुझे अपने पास ना रखती तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। फिर तुमने गैरों वाली बात की, इसका मतलब तुम मुझे गैर समझती हो, ऐसी बात है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दादी सिर्फ कहती ही नहीं हूं बल्कि सच्चे दिल से मानती भी हूं। तुमको भी मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। जब भी तुम पर कोई परेशानी आए तुम इस घर में आ सकती हो, इस घर के दरवाजे तुम पर खुले। मैं अम्मार से कहती हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं दादी इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। फिर वही बात, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हें। सलमा जी। अम्मा जी। अम्मार को बुलाओ। जी अच्छा। मारिया बेहतर होता कि आप जाने से पहले अपने ताया को फोन कर लेती, कहीं वो आपका कजन वहां ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचा दे आपको। मैंने कॉल की थी मगर उन्होंने रिसीव नहीं की, हो सकता है वो मसरूफ हो। और वैसे भी अब सुमैर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि बड़े पापा आ गए हैं।
आपको अपने ताया पे बहुत यकीन? हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। अगर उन्हें जरा सा भी पता होता कि सुमैर की नीयत ठीक नहीं है, तो वो कभी उसके लिए मेरा रिश्ता नहीं मांगते। उनको मुझसे मोहब्बत थी, तभी तो वो चाहते थे कि मैं बहू बन के सारी जिंदगी उनकी आंखों के सामने उस घर में रहूं। दादी भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही सोच रही है। वजाहत करने की जरूरत नहीं थी। चलें, इस बहाने आपके चेहरे पर खुशी तो है। जब से आप आई हैं, आपकी आंखों में आंसू। अपनों के दिए जख्म इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। हम में से हर इंसान खुश रहना चाहता है, मगर दूसरों को खुश रखना हम नहीं चाहते। मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आप खुश रहें। मेरा मतलब था कि अब ये भी आपको दादी कहती है? अरे मारिया, आप भी चले, हम सुन। आज भी वो दिन याद है जब मैं इस घर में पहली मर्तबा आई थी और बड़ी मामा ने मुझे इस घर से निकाल दिया था। मगर आपने मुझे इस घर में ही नहीं बल्कि अपने दिल में पना दिया। की सबसे बड़ी गलती थी ये, अगर मैंने उस वक्त तुम पे इस घर के दरवाजे बंद कर दिए होते तो आज यूं पछतावा ना होता। आप पछता रहे हैं बड़े पापा? हाँ, मुझे लगा था कि आपने मुझे अपना मान लिया। आपने मान लिया है कि मैं आपका खून। मैंने मान लिया था कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूं, ये घर मेरा है। आप सब लोग मेरे हैं। पर कुछ ऐसा नहीं, आपने तो फिर से मुझे उसी मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है बड़े पापा, जहां से मैंने ये सफर शुरू किया। आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने भी तो सबका यकीन नहीं कर लिया, आपने सबकी बातों को सच तो नहीं मान लिया। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ। तुम्हारे बाप ने भी तो ऐसे ही मेरा यकीन तोड़ा था, तुम भी तो उसी की बेटी हो ना, तुमने भी वही किया। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि तुम उस बाप की बेटी हो जिसने अपनी ख्वाहिश को तमाम तर रिश्तों पे तरजीह दी अपनी खुशी के लिए, सबको दुखी करके चला गया। तुमने भी यही किया, साबित किया कि तुम सिर्फ बिनते अब्दुल्ला हो। तुमने अब्बूजी से बात क्यों नहीं की? उन्हें क्यों समझाने की कोशिश नहीं की मारिया? अब्बूजी को क्यों नहीं बताया कि सुमैर ने तुम्हें फंसाया? गवाह और सबूत वहां पेश किए जाते हैं
जहां आपको मुजरिम नहीं मुलजिम माना जाता है। अगर बड़े पापा ने मुझे फैसला सुनाते हुए एक बार भी नहीं पूछा, और जब इंसान फैसला कर ले तो वजाहतें बेमायने रह जाती। देखो मारिया, अम्मी जी ने और सुमेर ने जिस तरह मिर्च मसाला लगा के अब्बू जी को बातें बताई होंगी ना, अब्बू जी की जगह कोई और होता ना तो भी यकीन कर लेता। उनकी जगह कोई और होता तो मैं उसे दलीलें देती, सबूत देती, मैं भी अपनी बेगुनाही का गवाह लाती। अगर मुझे लगा था कि बड़े पापा मेरे आंसू देखकर सब जान जाएंगे, सीने से लगा लेंगे और उनके सीने से लग के मैं खूब रोऊंगी, इतना रोऊंगी कि मुझे सुकून मिल जाएगा। देखो मां, मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाए। आज तो बड़े पापा ने भी मुझे नापाक मान लिया। ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब्बू जी तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोच नहीं सकते। गुस्से में थे, उन्होंने तुम्हें डांट दिया, लेकिन वो इस तरह नहीं करते। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। देखो मारिया, अब्बू जी ने तुम्हें गुस्से में घर से जाने के लिए कहा था। उनका गुस्सा वक्ती तौर का होता है। और एक बात मेरी याद रख, अब्बू जी के यहाँ होते हुए अम्मी जी तुम्हें हाथ क्या, तुम्हें घर से भी नहीं निकाल सकती। जब दिलों में जगह ना हो तो घर की गुंजाइश भी कम पड़ जाती। मारिया, मारिया मत जाओ। मारिया मेरी बात तो सुनो। मारिया, मुझे एक दो दिन रहने की इजाजत दे दें, फिर मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो अरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन मारिया, तुम्हें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, और अकेली औरत के लिए तो ये वसी जमीन भी बहुत तंग हो जाती है। दादी, आप ही तो कहती थी कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो वो खुद उसके लिए जराए और वसीले पैदा करता है। बस फिर समझ लो कि अल्लाह ने तुमको ही तुम्हारा वसीला बना लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। नहीं दादी, आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं मुझ पर, मैं मजीद आपको परेशान नहीं कर सकती। तुम मुझे दुख देना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं हर लम्हा परेशान रहूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। तो बस फिर तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं सुकून से रहूं तो तुम यहीं रहोगी, इसी घर में मेरे पास, ये मेरा हुक्म। तब सुन, सलमा से कहूं गेस्ट रूम खुलवा दे, मारिया अब यहीं रहेंगी। बेफिक्र हो जाओ बेटा। सलमा, सलमा। जी बेगम साहिबा। इसे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ, आज से ये वहीं रहेगी। मारिया बीबी, अभी तो फिलहाल आप अपना सामान इस बैग में ही रहने दीजिए। कल सुबह चौकीदार से कह के मैं स्टोर वाली अलमारी इस कमरे में रखवा दूंगी, तो आप अपना सामान उसमें रख लीजिएगा।
मुझे पता होता कि आप इस कमरे में रुकने आ रही हैं तो मैं इस कमरे की सफाई करवा देती। ये कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है, पहले इसमें एक चौकीदार रहता था, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हुई है। मारिया बीबी आप कहें तो मैं अम्मा जी को बता दूं कि आप यहाँ। नहीं नहीं, दादी को कुछ मत बताना प्लीज, उन्होंने मुझे इस घर में रहने की जगह दे दी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से तबस्सुम आंटी को डांटे। प्लीज तुम जाओ। जी अच्छा। की किस्मत अच्छी थी जो मेरी गैर मौजूदगी में आई, वो वरना मैं घर में ही ना घुसने देती उसे। अच्छा हुआ हाजी साहब ने निकाल दिया। छोड़े ना अम्मी जी, तो पीछे ही पड़ गई है उसके। आप जो चाहती थी वैसा हो गया ना, बस। तुम चुप कर जाओ, अम्मी जी से जबान क्यों चला रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही है, इसी काबिल है वो लड़की। कौन, किस काबिल है, ये तो अम्मी जी जानती ही नहीं है। ये बकवास बंद करो, समझ आई? जिसे दफा होना था घर से दफा हो गई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में? हद हो गई। सलमा जरा मारिया को बुलाओ नाश्ते की मेज पे। जी अम्मा जी, उसे बुलाने की क्या जरूरत है, उसका नाश्ता मैं उसके कमरे में भिजवा देती हूँ। वो हमारे साथ नाश्ता करेगी तो उसे अच्छा लगेगा, और अच्छी बात है उसकी झिझक भी खत्म होगी। और मैं चाहती भी यही हूँ कि हमारे साथ उसकी अपनाइयत बढ़े। जाओ मारिया को बुला के लाओ। जी अच्छा। अम्मा जी, अगर घर के लोगों में और घर के मुलाजमों में फासला रहे तो बेहतर है। तबस्सुम, प्रोफेशन में प्रोफेशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ताल्लुक जब इससे ज्यादा हो जाए तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता। आओ बेटा बैठो। बेटा तुम्हें गेस्ट रूम में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उसका ऐसी सही नहीं, मैं आज ही कह के अम्मार से सही करवा लूंगी। दादी मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है, आप परेशान नहीं हो, मैं वहां आराम से हूँ। सलमान, मारिया के लिए नाश्ता लगाओ। मारिया तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना तो अम्मा जी से मत कहना, मुझसे कह देना। तुम हमारे घर में मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है ना। मारिया तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें खुद ही इसका ख्याल रखना। जी अम्मा जी। मतलब आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं उस लड़की को इस घर में मुश्किलों से दो दिन के लिए बर्दाश्त कर सकता हूं, और अब आप कह रही हैं कि वो यहीं रहेगी? होश में तो हैं आप लोग? ये मेरा नहीं, अम्मा जी का हुक्म है, उनको शौक है बहुत खिदमत खल्क करने का। तो आपको समझाना चाहिए था ना दादी को, एक गैर लड़की को वो ऐसे कैसे रख सकती है हमारे घर में? उनको समझाने का कोई फायदा नहीं था। आपको पता है ये सारी गलती आपकी है, अगर आप खामोश ना रहती ना तो आज ये लड़की इस घर में भी नहीं होती। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो हर बात का,
जो भी बात करनी है ना जाके अपनी दादी से करो, समझे? हाँ हाँ, कर लूंगा मैं बात दादी से, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप सिर्फ अपनी मतलब की बातें करती हैं उससे। इस घर में जो कुछ भी हो रहा हो उसकी परवाह नहीं है आपको। क्या क्या करूं मैं बताओ, मुझे क्या क्या करूं मैं? शादी का घर है, 10,000 काम है, रोज निशा के घर आना जाना लगा हुआ है, नौकरों को देखना है, किचन देखना है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ में ही बुराइयां नजर आती हैं। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। आपको जो भी करना है ना आप करें, मगर वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी, वो दफा हो जाए यहाँ से। अनिश बेटा, मैं कब चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में रहे? मुझे तो उसे देख कर गुस्सा आता है। पता नहीं तुम्हारी दादी पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने। जादू? आपको पता मॉम, अगर आप जरा सा भी दादी का ख्याल रखती ना तो आज मारिया इस घर में नहीं होती और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। वो लड़की यहाँ पर सिर्फ जॉब करने के लिए आई थी, मुझे क्या पता था कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ आकर बैठ जाएगी। तो मैं उस लड़की को इस घर से निकालना है तो निकाल, जो मर्जी में आए करो, वो लड़की इस घर में रहे या जहन्नुम में मेरी बला से। था कि आपने मुझे अपना मान लिया है, आपने मान लिया है कि मैं आपका खून हूं। कहीं आपने भी तो सबका यकीन नहीं कर लिया? आपने सबकी बातों को सच तो नहीं मान लिया? आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूं? भाई साहब, ऐसा क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप सुबह से चुप चुप है। इन्हें अल्लाह के करम है, ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ऐसा आज दुकान बंद नहीं करनी क्या? इतना टाइम हो गया है, क्या कोई माल देने आएगा? नहीं नहीं, अब तो कोई नहीं आएगा। तुम जाओ, मैं दुकान खुद बंद कर देता हूँ। ऐसा मैं दुकान बंद कर देता हूँ और आपको घर छोड़ दूंगा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। पूरा जरूर हो गया हूँ मैं, लेकिन अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि किसी की मजबूरी बन जाऊं। तुम लोग क्या समझते हो कि बूढ़ा आदमी कमजोर हो जाता है, मजबूर हो जाता है? तुम लोग समझते हो तुम उसकी मजबूरी बन जाते हो, जो चाहो उससे मनवा सकते हो। तुम समझते हो बूढ़े आदमी को धोखा देना आसान हो जाता है? नहीं, बूढ़े लोगों में बर्दाश्त तुम जवानों से कहीं ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा होती। तुम अभी तक गए नहीं, जाओ मियां जाओ, और बाद में तुम्हारी माँ गिला करेगी कि मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितना तुम सेवा करता हूँ। ठीक है अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पर आके तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा तो हो ही गया होगा, राइट? मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी मजबूरी यहाँ लाई है। अच्छा है, तुम्हें पता क्यों? क्योंकि तुम इस तरह खुद को तसल्ली दे सकती हो। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, जब किसी के पास कुछ ना हो ना तो वो ऐसी इज्जत पर भी खुश हो जाता है। मुझे मेरे रब की तकसीम पर कोई एतराज नहीं। साबित क्या करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि
कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनको सुकून मयसर नहीं आता। वो खुद को जितना भी मुतमईन साबित कर लें लेकिन अंदर से बेचैन ही होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों को महरूम करने की ख्वाहिश खुद उनको सुकून से महरूम कर देती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। देखो मारिया, इस वक्त तुम मेरे घर में खड़ी हुई हो और मुझे बुरा कह रही हो। तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? आप ना मुझे इस घर में रखने का इख्तियार रखते हैं और ना ही निकालने का, और मेरे साथ वही होगा जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है। आप होते कौन है ये सब कुछ कहने वाले? नहीं तो तुम कौन होती हो? अगर मुझे दादी का जरा सा भी ख्याल नहीं होता ना तो तुम ये सब कहने के काबिल भी नहीं होती। मेरी बर्दाश्त को आजमाने की कोशिश मत करो वरना तुम अपने नुकसान की जिम्मेदार खुद होगी, समझे? तो जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांध के यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ कहूंगा नहीं, अमल करके दिखाऊंगा। आज सुबह से ही सर में बहुत दर्द है। दादी आप सोए भी तो नहीं हैं? आप थोड़ा सा आराम करें, ठीक हो जाएगा दर्द। अरे बेटा कहाँ नींद आती है, बस सारी रात आंखें बंद किए पड़ी रहती है। फजर के बाद घंटे दो घंटे बस नींद आती है। आपने अभी मेडिसिन लिया, आपको नींद आ जाएगी, कोशिश तो करें। चलें उठें। ठीक है। By the way, अमार, वो अहमद साहब का फोन आया था, पता नहीं क्या कह रहे थे यार। वो हाईवे का प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड कोई बात करनी थी तुमसे। मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने कहा कि अमार विल कॉल यू बैक, राइट? क्या तुम बिजनेस में इंटरेस्ट लेते ही कब हो जो तुम्हें चीज़ों की समझ आए? अच्छा खैर, डोंट वरी, मैं देख लूँगा। इट्स ऑल गुड यार, जब तुम हो तो मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत। राइट। मारिया, सब ठीक तो है? दानिश ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। साहब खाना ठंडा हो रहा है। हाजी साहब आपने खाना नहीं खाया, पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। कुछ कह रही थी,
मैं कह रही हूँ कब से खाना रखा है, आपने खाया क्यों नहीं? क्या बात है हाजी साहब, आजकल दुकान से भी देर से आ रहे हैं आप, क्या बहुत काम है? बस क्या करूंगा घर आके, जो होना था वो हो गया, वो तो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही होगी, आप क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हैं हाजी साहब? हो जाए आप भी सब कुछ, हाँ बस। ठीक कहती हो, सब कुछ भूल जाओ, भूल जाना ही बेहतर है, भूल जाना चाहिए। भूल जाऊं के मेरा कोई भाई भी था, भूल जाओ कि उसे मैंने खुद इस घर से निकाल दिया था, भूल जाओ कि मैंने उसकी मैयत को कांता तक नहीं दिया था, के पास लोग आते हैं अपनी मैयतों के कफन के लिए, गुस्ल के लिए, तदफीन के लिए, मैंने अपने भाई को, अपने अब्दुल्ला को इन हाथों की शफकत से महरूम रखा। भूल जाता हूँ सब कुछ, भूल जाना चाहता हूँ, भूल जाने की कोशिश भी करता हूँ, क्या करूँ साजिदा, क्या करूँ कि कुछ भूल नहीं पाता। क्योंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या आप प्लीज अरेंज करें ये मीटिंग जल्दी से जल्दी। हाँ जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ये मारिया सर्विट काउंटर की तरफ जा रही है। आपके यहां क्या करेंगे? मारिया मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बहुत खुद गर्ज है, मैं आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपने एक बार भी दादी के बारे में नहीं सोचा, आपने उस औरत के साथ खुदगर्जी की है जो कि आपको अपना समझती है, आपने खुद को आला और हमें कमजोर समझने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमार प्लीज आप गलत समझ रहे हैं। गलत तो हम हैं जो आप इस रूम में। खैर अब आप मुझे खुद इस बारे में बताएंगी या मैं तबस्सुम चाची से जाके पूछूं? मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, प्लीज आप तबस्सुम आंटी से कुछ मत पूछिएगा। दादी समझती थी कि आप झूठ नहीं बोलती, शायद वो इसमें भी गलत थी। अब ये बात मैं तबस्सुम चाची से खुद पूछूंगा और दादी को भी बताऊंगा अभी और इसी वक्त। हमार प्लीज आप दादी से कुछ नहीं कहेंगे? मैं आपके हुक्म का पाबंद नहीं। मारिया
अभी बताऊंगा दादी को। अमाल, निशा, लुक एट दिस कलर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, और तुम पे कितना अच्छा लगेगा। मैं सोच रही इसके साथ की ज्वेलरी भी बनवा लेती हूँ, एमरल्ड्स बनवा लेते हैं, क्या कहती हो तुम? निशा, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा रही हूँ, तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हो। मामा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इन कपड़ों में और ना ही इस शादी में। मानो, ये सब चीजें ले जाओ, कमरे में ले जाओ मेरे, ये भी उठा लो यहाँ से। निशा, बेटा ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने पे तुली हुई हो? तुम मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना। मैं जाके दानिश से, बल्कि अम्मा जी से बात करूंगी, उनका हुक्म तो कोई नहीं टालता। लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ मेरी बच्ची? आप बात करेंगी दादी से? हाँ, मैं जरूर जाऊंगी उनके पास उनसे बात करने, लेकिन मुझे पता तो हो कि उनको कहना क्या है। तो फिर ठीक है, जब आप दादी से बात करने जाए ना, तो उनको कह दीजिएगा कि वो मारिया को उस घर में रहने की परमिशन ना दें। मारिया को? ये मारिया कहां से बीच में आ गई? मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ बेटा। बस जो मैं कह रही हूँ ना, आप वो जाके दादी को बोल। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं तुम्हारी और दानिश की बात कर रही हूँ, ये मारिया बीच में कहां से आ गई, मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला मारिया ही है, और ये बात आप नहीं समझेंगी। मसला मारिया? मारिया का मसला? मैं वाकई नहीं समझ रही क्या हो रहा है।